सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो मैं बस अपने रूम से भी बाहर आया हूँ और उसके बाद कुछ व्यूज बहुत सही है, मैं आपको दिखाता हूँ। आज हमारा प्लान है लोकल प्लेसेस देखने का। हमने बाइक रेंट कल रात को ही कर ली थी जैसा मैंने आपको बताया, तो अब हम होते हैं रेडी और अराउंड 8 के बाद हम निकल जाएंगे ब्रेकफास्ट करके और फिर देखते हैं क्या क्या हम आज प्लेसेस कवर कर पाते हैं। 5 to 6 प्लेसेस हमें मैक्स कवर करने हैं जो कि फेमस हैं, तो देखते हैं क्या क्या कवर कर पाएंगे। ये है थिक से मॉनेस्ट्री। शूज वहीं था। सेटलमेंट नहीं कुछ नहीं है, कह रहा था यहाँ पे सेटलमेंट वगैरह है, करते तो मैं कह रहा था वहाँ तक नहीं है जहाँ तक हम अभी पहुँचे हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सही था। बैठा रहे, फोर डोज लिए जा रहे हैं यहाँ पे। बता भाई क्या ये वर्थ है मनुष्य आने? अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, आना चाहिए। और बाकी व्यू सही लग रहे हैं यहाँ पे, व्यू बहुत अच्छा है ना, फोटोज वगैरह है ना। और यहाँ पे पीछे आप माउंटेन्स देख सकते हो कितने तगड़े हैं, और वहाँ पे स्नो कवर्ड माउंटेन है उस साइड पीछे। लिटरली यहाँ से ड्रोन व्यूज आ रहे हैं, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं लद्दाख को, और ये है ही कोल्ड डेजर्ट। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, रुकना है क्या? वीडियो बनानी है। चलते हैं
सो गाइज दिस इज बिहाइंड मी इज संगम पॉइंट. ये वाली रिवर इंडस है और वो वाली जंस्कार है, वो दोनों यहाँ पे मीट हो रही है. तो इस जगह का नाम है संगम पॉइंट. तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए. तो अब हम आगे जा रहे हैं. अभी हम हैं संगम पॉइंट के पास. संगम पॉइंट मेरे पीछे है, ठीक है ना. तो हमने वो तो देख लिया है और मैग्नेटिक हिल देखना है हमें जाते वक्त वापस. और मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बाइक के साथ अपनी रील्स बना रहे हैं. अभिषेक बैठा हुआ है, जिवेश रील बना रहा है स्पर्श की, और स्पर्श आ गया तो हमने कुछ ऐसे रील्स बनाए हैं. एनीवे तो यही था यहाँ पे. बाकी अब वापस जा रहे हैं. बिहाइंड मी दिस इज मैग्नेटिक हिल और आप देख सकते हो ये है वो रोड और पीछे है माउंटेन्स जो कि इसको ट्रैक करते लोग कहते हैं. बट ये कुछ नहीं है, बट ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है. सो गाइज वी आर सिटिंग राइट नाउ इन गुरुद्वारा पत्थर साहिब. तो काफ़ी टायरिंग था. हम वापस आते वक्त इस बार हम ऊपर आए हैं. पहले नीचे मत्था टेका था, अब ऊपर आए हैं और अब वापस जा रहे हैं ले सिटी की तरफ. मान्यवर आज सुबह हम निकले थे अराउंड 8:30. हम गए थे नीचे, नाश्ता किया था. नाश्ता करने के बाद फिर हम वहाँ से हम सीधा गए थे थिसके मॉनेस्ट्री और थिकसे मॉनेस्ट्री. और उसके बाद फिर वहाँ पे हमने बहुत अच्छा व्यू देखा, पूरा वैली का व्यू आ रहा था और बहुत सही जगह था लिटरली. मतलब आप देखोगे ना अगर यहाँ पे आके तो लैंडस्केप्स यहाँ के बहुत सही हैं. मतलब दीज आर ब्रेथ टेकिंग व्यूज़. सो आपको ज़रूर आना चाहिए. एंड उसके बाद फिर हमने थिकसे मॉनेस्ट्री देखा. उसके बाद क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमने पहले वो कवर कर लिया. उसके बाद फिर हम वापस आए ले सिटी. ले सिटी से फिर हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी मैग्नेटिक हिल देखने के लिए. और उसके बाद फिर हमने देखा संगम पॉइंट, ठीक है, और शांति स्तूपा रह गया यार. बट देखते हैं कल अगर कवर कर पाएंगे सुबह मॉर्निंग में तो वो कर लेंगे कवर. और उसके बाद फिर हम चलते बनेंगे नूबरा वैली की ओर. और नूबरा वैली में हमें 2 nights 2 days रहने हैं. तो 2 days हम वहाँ पे रहेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे ले सिटी. फिर ले सिटी से हमें पैंगोंग जाना है. तो देखते हैं, अभी 2 days है नेक्स्ट नूबरा वैली के लिए. बाइक राइड करके नूबरा वैली जाएंगे और देखते हैं कैसा रहता है. बाकी आज का एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो काफ़ी सही रहा, काफ़ी मज़ा आया बाइक चलाने में और बहुत सही व्यूज़ आ रहे थे. और हम गुरुद्वारा भी गए थे, पत्थर साहिब गुरुद्वारा. हमने लंगर तो नहीं किया वहाँ पे क्योंकि कोविड के कारण वो बंद हो रखा है. तो उससे पहले वो 24 hours चलता था. तो जो भी पहले आए थे वो लकी थे, हमने तो नेवर माइंड. तो उसके बाद फिर हमने प्रसाद खाया था. आपको पता है गुरुद्वारे का प्रसाद बहुत सही होता है, तो वो खाया हमने. और उसके बाद फिर हम वहाँ से अपने नेक्स्ट रूट पे चले गए जो कि हमें वहाँ पे जाना था संगम पॉइंट और मैग्नेटिक हिल के लिए. बाकी मैग्नेटिक हिल देखा यार, मैग्नेटिक हिल में इतना मज़ा नहीं आया बिकॉज वहाँ पे ना वो स्लांट हाइट है और वो एक इल्यूजन है. तो मेरे को तो मज़ा नहीं आया देख के, वो पता नहीं क्या ही है.
उसके अलावा बट हाँ लैंडस्केप्स बहुत सही हैं लद्दाख में, बाइकिंग के लिए जानी जाती जगह। तो अगर मतलब 10,000 फीट से अबव आप बाइकिंग कर रहे हो माउंटेन्स में, तो आप इमेजिन कर लो क्या व्यूज़ आएंगे वैली में। तो बहुत मज़ा आया, मैं तो बिल्कुल रेकमेंड करूँगा कि आप मतलब अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर डिसाइड करें कि बाइकिंग करनी है। चलो बाइकिंग मत करो बट कार से आओ, बट लद्दाख विजिट करो। और बहुत लोग, देखो एक मिथ बताता हूँ मैं, ये बिल्कुल मिथ लगता है। अगर आपकी एज ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से एज क्या मतलब, मैंने ओल्ड एज लोगों को भी देखा, ओल्ड एज तो नहीं कह सकते बट मतलब 50 अराउंड समथिंग, तो वो भी घूमने के लिए आए थे और वो भी मतलब घूम रहे थे सही से। बट यही है कि लेह में जो भी आता है ना, तो लोग कहते हैं कि भाई ये मतलब ऑक्सीजन लेवल कम है, हाई ऑल्टीट्यूड है, और कुछ भी हो सकता है, सर में दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसा। बट हाँ आप थक जाते हो यहाँ पे बहुत जल्दी, तो जैसे होता ही है मतलब फर्स्ट डे, और अगर आप फ्लाइट से आते हो तो फर्स्ट डे और सेकंड डे आप रेस्ट करें, रेस्ट करोगे तो आपको ही मतलब आप अक्लमेटाइज हो जाओगे यहाँ के हिसाब से। और सेकंड डे आप थोड़ा और घूमें मतलब लोकली आसपास में ही घूमो, तो आप और अक्लमेटाइज हो जाओगे। उसके बाद फिर थर्ड डे से आप मतलब कहीं भी एक्सट्रीम जा सकते हो, बट कोशिश यही करो कि जैसे पैंगोंग सबसे दूर है तो वहाँ पे लास्ट में ही जाओ तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो दूर है और इतने दूर ड्राइव करना या फिर दूर जाना कार से ही, बट मतलब हो सकता है कि कई लोगों को कंफर्टेबल ना रहे, इसीलिए धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाओ अपना और सारा कुछ कवर करो। लद्दाख में बहुत सही जगह है, और आई विल डेफिनेटली रिकमेंड पीपल टू कम हेयर एंड विजिट लद्दाख। और लद्दाख के लोग अच्छे ही हैं। बट आज हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैं आपको बताता हूँ। वो रेड कलर की ऑल्टो थी, तो हमें जाना था संगम पॉइंट के लिए, तो वहाँ से नीचे को एक टर्न जा रहा था, क्योंकि वो नीचे ही है ना संगम पॉइंट, ऊपर से तो हमें संगम पॉइंट दिख गया था बट हमें आइडिया नहीं था कि वो संगम पॉइंट ही है। तो उन्होंने बोला, और वो लोकल ही थे शायद यहाँ के, उन्होंने बोल दिया कि हाँ हाँ यहाँ से सीधा चले जाओ। I'll have to ask my accountant about that. जबकि हमें जाना था वहाँ से टर्न लेके, यू टर्न लेके जाना था नीचे की ओर, तो हम सीधा गए, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया हमारा। और क्या पता नहीं कैसे कैसे, थोड़े यंग से थे वो, शायद इसीलिए उन्होंने मजाक कर दिया होगा, बट नन द लेस होता रहता है टूरिस्ट के साथ। बट हम ज़्यादा आगे भी नहीं गए, हमने दिमाग लगा लिया अपना और बस पूछ लिया लोगों से। अगर आप ज़्यादा लोगों से पूछोगे ना तो कन्फर्म हो जाती है वो चीज़, और फिर आपको कोई फूल नहीं बना सकता। तो उसके बाद फिर हम संगम पॉइंट गए। संगम पॉइंट यार मस्ट विजिट प्लेस बोलूँगा मैं, वहाँ पे एक ब्रिज भी, हमने बहुत सारी फोटोज़ खिंचवाई, दोस्तों ने रील्स बनाई, आपको दिखा ही रहा हूँ मैं वो, मतलब दिखा दूंगा वीडियोस में कि वो कैसे कैसे वीडियोस बना ही रहे थे, तो मज़ा तो बहुत आया। तो अब नूबरा वैली जाना है कल, तो आज के लिए तो इतना ही था, अभी डिनर करने जाना है हमें, तो ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ मैं। मतलब थर्ड डे का है ना, तो थर्ड डे का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अब नूबरा वैली का व्लॉग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। यार लद्दाख आ गया, मैं मेरा ड्रीम था ये और हो गया वो, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाकी मिलते हैं ना अगली वीडियो में। अर्बन 2456। नॉर्मल बना, पकड़ना है, ऑन कर दिया मैंने। अबे छोड़ ना, अबे थोड़ा सा देखो भाई क्या कर रहा है ये। पास 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 ही मेरे को, पास में पास में देखो ओ भाई, तू सीधे चल बनाया वीडियो तुम ना भाई, ले पकड़ के बैठ जा, एक हाथ में पकड़ लो, एक हाथ में फोन कर लो, और व्यू ऐसे ही रहने दो, ठीक है? सामने जा खेलना है। हां এমনি বেশি কিছু আছে খাওয়ার জন্যে। হ্যাঁ, তো আমরা যাচ্ছি না কালকে বাইকে। হ্যাঁ, গাড়িতে পঙ্গে
बस इधर मेरे को दिखाना कहीं पर है, तू वहीं से है ना कोने से, बस ऑन है वीडियो ऑन पैंगोंग लेक जा ऐसे रख के आउट है गाड़ी में। शिट रेली अर्बन 2456।